कोपरखेड्यातील जामा मस्जिद बाहेरील नाल्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. या नाल्यामध्ये मलनीकरण प्रक्रिया केंद्रातील दूषित पाणी सोडले जाते, त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरून नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. जवळच मस्जिद असल्याने येथे येणाऱ्या मुस्लिम बांधवांना उग्रवास आणि नाल्यातील घाणीचा त्रास सहन करावा लागतोय. दरम्यान या समस्येकडे नवी मुंबई भाजप सेवा सेलचे अध्यक्ष नितीन कंधारी यांनी लक्ष वेधले आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. महानगरपालिका नवी मुंबई महानगरपालिका को देखना चाहिए कि हर जगह पे क्या समस्या है, हर बार याद क्यों दिलाना चाहिए कि क्या तकलीफ हो रही है. अब अगर ये रास्ता देखेंगे तो बाजू में सिड़कों की जो गाड़ियां हैं वहां पे वो लगती है, कई अधिकार ये रास्ते पे रोज आते हैं, उनको भी नज़र आ रहा है क्या तकलीफ है. अब यहाँ पे ये जो फुटपाथ है आप मेरे पीछे देख सकते हो, जहाँ से ट्रकें अंदर जाती है कब्रिस्तान की तरफ, मिट्टी की हो या पानी की हो, वो कैसे जाएगी. पिछले 8 महीने से वो फुटपाथ टूटा हुआ है. तो इतनी बड़ी समस्या क्या लोगों को नज़र नहीं आ रही है, प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है. अब वहाँ पे वेस्ट का, सीवरेज का पानी गटर में आ रहा था, उससे मच्छर, गंदगी, बीमारियाँ फैल रही है, उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है. मैंने हमारे माननीय आयुक्त साहब तुकाराम मुंडे जी को पत्र लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी. वीडियो जर्नलिस्ट मूसा सह पंकज बेनवंशी यांचा रिपोर्ट.